be strong. दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेकर आया हूं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में अच्छी मदद कर सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। दोस्तों, ये इसका प्राइस देखिए, एक महीने पहले 12.35 रुपये का था, यहां से ये बढ़कर 14.45 रुपये पे आ गया है और इसने 17% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम इसके 6 महीने को देखें तो 6 महीने में दोस्तों ये 31.05 रुपये से गिरकर 14.45 रुपये पे आया है। देखिए 31.05 रुपये पे ये बना हुआ था और वहां से गिर के ये 14.45 रुपये पे आ गया है और वहां से देखिए बहुत बड़ा ही गिरावट के साथ इसने 53.46% का नीचे गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम इस समय इन्वेस्ट कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इस समय 12 रुपये से बढ़ के 14.45 रुपये पे आ चुका है और इसके बढ़ने की और उम्मीद की जा सकती है। वहीं अगर हम इसके इस साल के हाई की बात करें तो इस साल इसने हाई 32 रुपये से ऊपर का हाई बनाया है। दोस्तों, 32 रुपये से ऊपर का हाई बना चुका है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। वहां से गिर के ये हमें 14.45 रुपये पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये 2017 में 60.80 रुपये का हाई बना चुका है, यह आप देख रहे हैं कि 60.80 रुपये पे हाई देखने को मिला था इसका 2017 में। तो वहां से गिर के आपको 14.45 रुपये पे देखने को मिल रहा है और ये इस समय ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा बढ़े। अगर दोस्तों हम 1999 से अब तक का देखें तो 1999 में इसने ये 3.86 रुपये पे हुआ करता था, वहां से हमें 14.45 रुपये पे देखने को मिल रहा है और 274.35% का अच्छा ऑल टाइम इसने रिटर्न निकाल के दिया है। तो यहां हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मल्टी बैगर बन गया है या बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन हम इसके अच्छे एक अच्छे लेवल पर जाने की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल जान लिए जाएँ तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये ओपन हुआ है 14.45 रुपये पे और प्रीवियस क्लोज इसका 14.30 रुपये का है, अपर सर्किट इसने 15.70 रुपये का लगाया है और लोअर सर्किट 12.90 रुपये का रहा है। वॉल्यूम 7,14,005 का वॉल्यूम है। BWAP 14.37 का है। मार्केट कैप 333 करोड़ का मार्केट कैप है। 20-डे एवरेज वॉल्यूम 331,321 का है। 20-डे एवरेज डिलीवरी 335,178 की है। बीटा 0.87 का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर -0.87 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 8.80 रुपये की है। PV 1.64 का है। सेक्टर PE 20.29 का है। दोस्तों, एक इसके हम प्राइस परफॉर्मेंस को देखें और वॉल्यूम को देखें तो किस प्रकार से इसका प्राइस परफॉर्मेंस और वॉल्यूम इस समय चल रहा है या 3 साल में इसने प्राइस परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाई है उसको भी देख लिया जाए। देखिए, ये एक हफ्ते में 12.45% की इसने ऊपर गया है और 21.94% एक महीने में दोस्तों ये ऊपर चला गया है। वहीं 3 महीने में 29.85% ये नीचे गिरा है और जनवरी से अब तक की बात की जाए तो 48.48% ये नीचे गया है। वहीं 1 साल में 32.63% नीचे देखने को मिला है और 3 साल में इसने 4.71% केवल रिटर्न दिया है।
अगर दोस्तों वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम देखिए दोस्तों, इसमें पिछले मतलब कि जो आज बना तो वो वॉल्यूम बना है 4 लाख का, और पिछले दिन का इसका वॉल्यूम था 6 लाख का, और अगर एक हफ्ते का वॉल्यूम देखा जाए तो केवल 4 लाख का है, और एक महीने का वॉल्यूम इसका 3-4 लाख का निकल के आ रहा है। तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, केवल वॉल्यूम 4 लाख का आया है, तो वॉल्यूम यहाँ घटा हुआ है। तो इसमें आप यहाँ वॉल्यूम को घटते हुए इसके प्राइस को नीचे जाते हुए देख रहे हैं। अगर दोस्तों इसके रिवेन्यू की या फाइनेंशियल देखे जाएँ तो किस प्रकार से रहे हैं, इसने रिवेन्यू जनरेट किया है, देखिए यहाँ 2018 में 728 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, और वहीं 2019 में 644 करोड़ का, 2020 में 604 करोड़ का, 2021 में 765 करोड़ का, और 2022 में 765 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। 2022 और 21 में सेम रिवेन्यू जनरेट हुआ है। दोस्तों अगर 2018 में इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट हमें 2018 में 23 करोड़ का देखने को मिल रहा था, वहीं नेट प्रॉफिट 2022 आते आते केवल 1 करोड़ का रह गया है, जो कि 2020 में तो माइनस के 11 करोड़ में पहुंच गया था। दोस्तों यहां रिकवर कर रहा है अपने आप को, 1 करोड़ का 2021 में भी नेट प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन देखिए जैसे जो रिवेन्यू जनरेट किया है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट बहुत कम है, तो यहाँ पे एक उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद से ही हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं केवल, क्योंकि यहाँ जो रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत कम है। देखिए अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अगर अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो उसको हम देखते हैं कि 1.08 का अर्निंग पर शेयर 2018 में था, वहीं 0.08 का अर्निंग पर शेयर 2022 में रह गया है। दोस्तों अर्निंग पर शेयर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल रही है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर लगातार इसका घटा है, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है केवल। दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है, बुक वैल्यू पर शेयर 2018 में 10.27 रुपये की थी, वहीं 2022 में 8.79 रुपये की बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, केवल 1 रुपये दोस्तों 1.75 रुपये का अंतर हमें देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पे हम 1.75 रुपये का अंतर इसमें देख सकते हैं बुक वैल्यू पर शेयर में गिरावट। और दोस्तों हम एक चीज़ देखें तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं कम हैं, और जो सेल्स है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ केवल उम्मीद की जा सकती है। और देखिए दोस्तों ये 53% नीचे आया, जिस प्रकार से 53% नीचे आया है उसी प्रकार से इसके ऊपर जाने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा की जा सकती है, क्योंकि इसने बहुत ऑल टाइम बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। देखिए दोस्तों अगर हम इसके डेट की बात करें, कंपनी पर डेट कितना है समय, तो यहाँ जहाँ 2 लाख का डेट 2018 में देखने को मिल रहा था, वहीं 33 लाख का डेट इस कंपनी के ऊपर इस समय है, जो कि एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डेट यहाँ से अगर हम 2018 से अब तक देखें तो डेट में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 31 लाख का इसने जो डेट में अंतर देखने को मिला है, 31 लाख जो है डेट पड़ा है इसके ऊपर। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिलता है 53.36% इसने प्रमोटर की हिस्सेदारी है, और 45.28% की पब्लिक की है, और FII 1.36% की हिस्सेदारी के साथ है इसमें, और DII इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों एक चीज़ और निकल के आई है यहाँ पे, इसमें 53.36% की इसमें प्रमोटर की होल्डिंग थी, वहीं इसने देखिए मार्च 2021 में ही 34.51% की इसने प्लेज कर रखी है, और
हो सकता है कि प्लेजिंग को और भी बढ़ा सकता है और नीचे घटा भी सकता है। यहाँ 2022 में भी उसी प्रकार 34.51% की प्लेजिंग देखने को मिल रही है और प्रमोटर होल्डिंग 53.36% की देखने को मिल ही रही है। दोस्तों यहाँ ये प्लेजिंग वाला मामला थोड़ा सा समझने का हो रहता है, क्योंकि इसने अब जैसे भी है कहीं इन्वेस्ट किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन हमें प्लेजिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे हनीवेल, ऑटम और डिक्सन टेक्नोलॉजी, सी डब्ल्यू डी से अगर इसकी कंपेयर करें तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए परफॉर्मेंस यहाँ -32.63% की, यहाँ जो इसकी नेगेटिव देखने को मिल रही है हनीवेल ऑटम की भी 11.98% की नेगेटिव देखने को मिल रही है, और 14.05% डिक्सन टेक्नोलॉजी की हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। दोस्तों और वीडियोकॉन को भी देखते हैं तो वीडियोकॉन थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस में बना हुआ है। केवल वीडियोकॉन ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई है। यहाँ देखिए 300.55 की हनीवेल ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर दोस्तों इनके कंपनियों के अगर नेट प्रॉफिट और सेल्स को देखें तो यहाँ पे हम तुलना कर पा रहे हैं कि जैसे इसने 1 करोड़ की नेट प्रॉफिट दिखाया, वहीं नेट सेल इसने 765 करोड़ की दिखाई है। हनीवेल ने 339 करोड़ की नेट प्रॉफिट दिखाया है और 2948 करोड़ का नेट सेल दिखाई है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने देखिए नेट प्रॉफिट डिक्सन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी नेगेटिव में चली गई है। दोस्तों इसका केवल डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बना हुआ है, जो कि 10,697 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट दिखाया है। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है। देखिए मैंने शुरुआत एक से की, लेकिन 5-5 शेयरों को आपके सामने मैंने गिना दिया है। दोस्तों बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिली होगी यहाँ से कि 4-5 कंपनियाँ और आपको देखने को मिल गई इसी के साथ में। और देखिए वीडियो इसका अगर देखा जाए वीडियोकॉन का, तो नेट प्रॉफिट जो है हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चली गई है, प्रॉफिट नीचे गया है, तो यहाँ पे एक बड़ा अंतर आया है। दोस्तों कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी क्या करती है। देखिए कंपनी का नाम आपको मैं पहले बता देता हूँ, कंपनी का नाम है MIRC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों ये मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड की करती है दोस्तों। और यहाँ से हम देखा जाए तो इसके 3 प्लांट हैं, एक मुंबई वाडा में है, दूसरा रुड़की उत्तराखंड में है, तीसरा रुड़की उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है उत्तरांचल। तो यहाँ पे 3 इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। और देखिए दोस्तों ये 2 सेगमेंट में काम करती है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल और दूसरा कंपोनेंट। दोस्तों यहाँ पे इसमें इसको इंक्लूड किया गया है कलर टेलीविज़न इंक्लूडिंग देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD बनाती है, लाइट इमिटिंग डायोड LED बनाती है, और एयर कंडीशन ये बनाती है, वॉशिंग मशीन्स बनाती है, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर DVD बनाती है, और माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। और दोस्तों यहाँ ये मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल हैंडसेट भी कंपनी बनाने का काम करती है। तो बहुत आपके इसके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे उस पर काम कर रही है स्तर पे, लेकिन थोड़ा सा इस समय कंपनी का जो प्राइस नीचे गया है उसका फ़ायदा अगर हम उठा सकते हैं तो उठाना चाहिए। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और बेल आइकन दबाएं जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।